₹41 दे दिए हैं, ₹51 मांग रही है, और प्लस सूट वगैरह भी दिए यार थोड़ा, मतलब इनको भी। हम लोग आ गए मंदिर से वापिस और हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो अभी पहुंचने वाले हैं जो कौन आने वाले थे, लड़की के मायके वाले। हाँ, लड़की के मायके वाले आने वाले हैं, तो उनका वेलकम करेंगे अभी सामना लेके, ठीक है? तो चलो दिखाते हैं आपको। हाँ, तो दुल्हन के हैं, एक ही बात है ना, आप लोग तो समझ गए। अब तो टाइम लग जाएगा उनको वैसे तो। नहीं घर पहुंच गए, काफी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया। तो सामान वगैरह लेके आ रहे होने ना, टाइम तो लगना ही। चलो तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच गए हैं दुल्हन के मायके वाले, और यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन और बाकी के सभी लोग भी जो गांव के जितने भी लोग थे, इनवाइट किया है सभी लोग, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है यार, ये देखिए वीडियो ज़्यादा आगे जाके मैं बना नहीं पाया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद तो डीजे वगैरह भी चले रात तक, डीजे
सो फ्रेंड्स ये देखिए शादी के लास्ट डे पे ये लोग आते हैं बधाई लेने के लिए, काफी जगह पे आते हैं। तो ये कुछ इनकी डिमांड थी वो पूरी करने के लिए कह रहे थे। सो फ्रेंड्स ये डिमांड कर रहे थे 5100 की और प्लस सूट भी, तो इनको हम दे रहे थे 2100 रुपए, फिर उसके बाद 3100 रुपए दिए, बट इनकी डिमांड 5100 रुपए थी। बट दो दो शादी हुई थी फैमिली में, थोड़ा इनको भी समझना चाहिए ना, ये डिमांड करते हैं शादी सीधा ही मतलब 7000 और 5100 से शुरू करते हैं, 7000 11000 ऐसे करके, तो थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ी दिक्कत हो जाती है दो दो शादी होती है, बट फिर भी इनको दे दिए। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया था, कब्बू ने शादी से पहले कान छिदवा लिए थे अपने, ये देखो काफी अच्छे लग रहे थे यार, काफी खुश हो गई थी लड़की। दोबारा छिदवाए हाँ दोबारा छिदवाए वही तो।